और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। सीएम भजनलाल शर्मा आज मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। एमपी के मुरैना में सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं, जहां कार्यकर्ताओं ने सीएम भजनलाल का जोरदार स्वागत किया। वहीं कराधाम मंदिर में सीएम ने दर्शन किए। मुरैना ब्राह्मण समाज के कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। शाम 4 बजे मुरैना से जयपुर के लिए रवाना होंगे सीएम भजनलाल। आज मध्य प्रदेश के दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, कराधाम मंदिर में उन्होंने दर्शन किए और उसके बाद अब जो है बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और फिर शाम 4 बजे जयपुर के लिए रवाना होंगे। चलिए खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी करतार सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। करतार, आज सीएम भजनलाल शर्मा एक दिवसीय दौरे पर मुरैना पहुंचे हैं, क्या कुछ कार्यक्रम उनका रहने वाला है? देखिए, राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा आज ठीक 12 बजे कढ़ाई धाम आश्रम पहुंचे, वहाँ पूजा अर्चना की, वहाँ जो आम लोग हैं उनको संबोधित किया, उसके बाद में वहाँ से रवाना हो गए। रवाना होने के बाद अभी इस समय समर हाउस में वहाँ जो बीजेपी कार्यकर्ता है उनकी बैठक ले रहे हैं। उसके बाद में ठीक 20 मिनट बाद टाउन हॉल मुरैना में अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा का प्रोग्राम है, उसमें शिरकत करेंगे। जो ब्राह्मण सभा के लोग हैं उनको संबोधित करेंगे, यहाँ उनका सम्मान समारोह भी रखा गया है। उसके बाद में यहाँ से वो बीजेपी का एक बृहद बैठक है, उस बैठक में सम्मिलित होंगे। बैठक में सम्मिलित होने के बाद देर में यहाँ से राजस्थान के लिए रवाना होंगे। फिलहाल वो समर हाउस में वहाँ कार्यकर्ता से मुलाकात कर रहे हैं। मुलाकात के ठीक बाद यहाँ जो ब्राह्मण महासभा का आयोजन है उसमें शिरकत करेंगे। यहाँ तमाम सारी तैयारी है वो की गई है, व्यवस्थाएं की गई है, पुलिस फोर्स यहाँ तैनात किया गया है, पुलिस की तैनाती कर दी गई। जिस तरीके से राजस्थान मुख्यमंत्री पहली बार मुरैना पहुंच रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुरैना में उनका दौरा है। राजस्थान और मध्य प्रदेश जो मुरैना की सीमा वो लगी हुई है, अक्सर यहाँ जो वोट मीटिंग है वो होती रहती है, तो राजस्थान मुरैना आना काफी मायने रखा जाता है। काफी नेता और अधिकारी यहाँ सब लोग एकजुट होकर उनके साथ मीटिंग भी करेंगे और तमाम सारी जो तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। अभी ठीक 10 मिनट बाद यहाँ प्रोग्राम है वो अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा का शुरू होने वाला है। जी बिल्कुल, तो कुछ ही देर में कार्यक्रम शुरू होने वाला है और ऐसे में करतार जो है कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी समझी जाए? निश्चित तौर पर, इस तरीके से आगामी लोकसभा चुनाव है उसको लेकर यहाँ भाजपा के जो कद्दावर नेता है और वरिष्ठ कार्यकर्ता है उन सबके साथ वो बैठक करेंगे, क्योंकि यहाँ अभी जो प्रत्याशी चयन होना है उसमें भी राजकुमारी की जाएगी, तो सारी चर्चा है वो मुख्यमंत्री करेंगे, उसकी रिपोर्ट भी आगे पेश करेंगे। तो तमाम जो लोकसभा की तैयारी है उसके मद्देनजर ही ये सब जो आयोजन किए जा रहे हैं। ब्राह्मण महासभा का आयोजन करना, कहीं ना कहीं लोकसभा को जोड़ के देखा जा रहा है कि लोकसभा इन सब का जो आयोजन, कहीं ना कहीं एजेंडा यही कि किस तरह से लोकसभा चुनाव में जो लक्ष्य है 400 पार का उसे पार किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।